Stepping up its attack on NDMC Vice Chairman Karan Singh Tanwar over death of its assistant legal officer M.M. Khan, the AAP alleged that the Delhi Cantonment Board has accused Tanwar of provoking religious sentiments and disturbing peace. The party sought to drag East Delhi BJP MP Mahesh Giri into the matter and alleged that even he has written a letter to the LG in favor of owner of Hotel Connaught, who was arrested on the charges of murdering Khan. However, the party did not elaborate further on details of letter by Giri. अपनी बात आप तक और आपके जरिए जो जिम्मेदार लोग हैं व्यवस्था में उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि किस कदर एमएम खान नाम के एक ईमानदार अफसर को गोली मार दी गई। हमने कहा था उस वक्त कि इस हत्याकांड में एक नहीं दो सुपारियां दी गई। एक सुपारी एमएम खान जैसे ईमानदार अफसर को मारने के लिए दी गई थी, वहीं दूसरी सुपारी भाजपा के नेता और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर ने ली थी एमएम खान का तबादला कराने के लिए। एमएम खान के खिलाफ चूंकि वो ईमानदारी से एनडीएमसी को के हितों की रक्षा करने में लगे हुए थे, जो भी लक्षण इसमें करण सिंह तंवर के एक्सप्लेन किए गए हैं वो किसी शरीफ आदमी के नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि आए अपॉइंटमेंट लेके आए एक आदमी के साथ आए। इसका मतलब क्या है कि वो सीए साहब के घर पहुंच गए थे उनको डराने धमकाने के लिए। वहां से जब उनको बैनर लौटाया गया 40-50 गुंडों को लेकर सीओ के ऑफिस में पहुंच गए थे। एक शख्स जिसकी हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड ने देश की रक्षा करने वाली सेना ने जिसके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिखे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस लिए हैं, उस शख्स को एमएम खान के हत्याकांड से क्यों दूर करने की, रखने की, बचाने की कोशिश की जा रही है, यह सोचने का विषय है।